आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं जो इतना धमाकेदार है कि इसकी आवाज अब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंच चुकी होगी यस yes, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी शॉपिंग मॉल वेयर हाउस होटल या इस टाइप की कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनपुट टैक्स एडिट भी अब आपको मिल सकता है यस yes, बहुत मजा आने वाला है वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि हमें हाँ मोटिवेशन मिले और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस बनाने ये का ये केस है सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड का जिन्होंने एक शॉपिंग मॉल बनाया फॉर लेटिंग आउट ऑन रेंटल बेसिस इस मॉल को बनाने के लिए उनका जो भी कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस लगा उस पर उन्होंने जो जीएसटी पेमेंट किया उसका उन्होंने इनपुट टैक्स एडिट क्लेम किया एंड दिस इनपुट टैक्स एडिट अमाउंट वॉज रफली थर्टी फोर करोड डिपार्टमेंट ने इस इनपुट टैक्स एडिट के क्लेम को डिनाई किया ये कहे के कि दिस इनपुट टैक्स एडिट इज ब्लॉक्ट एज पर सेक्शन सेवनटीन सेक्शन फाइव क्लॉज

दिस रेस्ट्रिक्शन शेल नॉट इफ दिस प्रॉपर्टी फॉर जनरेटिंग टैक्सेबल इनकम इन हाई कोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कहा बट उन्होंने कहा प्रोविजन शुड बी इंटरप्रेटेड इन लाइन विद इज दी एस टी लॉ बहुत ही बढ़िया डिसीजन था इन फेवर ऑफ दिस टैक्स पेयर सफारी रिट्री प्राइवेट लिमिटेड जिसके अकॉर्डिंग अब इस मॉल को कंस्ट्रक्शन करने के लिए जितना भी इनपुट टैक्स रेट था वो अलाव हो गया बट क्या डिपार्टमेंट रुकने वाला था नहीं डिपार्टमेंट ने इस जजमेंट को चैलेंज किया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड कहा कि दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम इज नॉट अलाउड एंड इट इज ब्लॉक एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन सेवनटीन सबसे पर रेस्पेंट दैट इज सफारी रिट्री प्राइवेट लिमिटेड ने प्ली लिया कि दिस प्रोविजन सेक्शन सेवनटीन सबसे क्लॉज डी शुड बी रेड डाउन

अगर ये शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्शन हो रहा है विच इज जनरेटिंग अ टैक्सेबल इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट जिसपे जीएसटी पेमेंट होगा तो अगर आप इसका इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर रहे हैं सो दिस विल लीड टू डबल टैक्सेशन एंड इज ऑल्सो अगेंस्ट द प्रिंसिपल टू अवॉइड कास्केडिंग के इन्होंने एक इशारा दे दिया है टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री की दिस प्रोविजन शुड बी लुकड इन टू बट उन्होंने ये भी कह दिया कि द प्रोविजन डज नॉट रिक्वायर्स टू बी रेड डाउन और उन्होंने ये भी कहा कि दिस प्रोविजन दैट इज सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज डी इज नॉट अनक्यूशनल तो उनका ये जजमेंट बहुत क्लियर है इसके अलावा इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कहा कि इस क्लॉज के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है एज एन एक्सेप्शन दैट इज अलाउड फॉर प्लांट और मशीनरी एंड ये जो प्लांट और मशीनरी है दिस कनॉट बी ट्रीटेड एज सेम

तो इन दैट केस ये इस एक्सेप्शन के अंदर कवर होगा एंड इसका इनपुट टैक्स एडिट भी अलाउ होगा यह कहे के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को रिमांड बैक कर दिया बिफोर द उड़ीसा हाई कोर्ट टू कंडक्ट अ फंक्शनैलिटी टेस्ट एंड वेरीफाई इफ द मॉल क्वालिफाइज एज अ प्लांट तो इन दैट केस इसका इनपुट टैक्स एडिट अलाउ होना चाहिए बहुत ही बढ़िया जजमेंट है एंड आई एम श्योर इस जजमेंट के बाद बहुत सारे नए इश्यूज अब निकलने वाले हैं आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद मोस्ट ऑफ द पीपल थैंक यू सो मच